सुप्रभात। आज हम कक्षा 11वीं में गृह विज्ञान सब्जेक्ट में पढ़ेंगे घर की बनावट के बारे में। पिछले अध्याय में हमने इसी का ही पढ़ा था कि घर की स्थिति कैसी होना चाहिए, दिशा है कैसी होना चाहिए, ये सब के बारे में। आज हम पढ़ेंगे घर की बनावट के बारे में। बच्चे, तो घर के बनवाने के पूर्व कुशल इंजीनियर से नक्शा बनवा लेना चाहिए और उसके लिए बहुत सारी बातों की आवश्यकता होती है, जैसे कि नींव की। पहला है नींव, क्योंकि ये घर की बनावट के लिए बेसमेंट होता है, घर का बेस होता है जिसपे हमारा पूरा घर बिल्डिंग तैयार होती है। तो उसके लिए हमें नींव की आवश्यकता, जैसे टिकाऊ पर निर्भर होता है, टिकाऊ पर निर्भर रहता है। नींव गहरी ठोस होनी चाहिए, नींव अधिक मजबूत होनी चाहिए। पहले से पत्थर, बजरी, मिट्टी आदि डालकर चूना डाल देना चाहिए, इसके पहले ही उसकी खुदाई भी हो जानी चाहिए जमीन की। कभी कभी नींव की भराई पत्थरों के आकार के अनुसार की जाती है, सबसे पहले पत्थर भी मैं बीच में मिट्टी और उस पर बजरी मोटी रेत डालती जाती है। मोटी रेत पर भारी रेत डालकर खुदाई की जाती है और मकान को मजबूती के लिए सीमेंट और कंक्रीट का भी उपयोग किया जाता है। 4 से 6 इंच की जगह अवैध पदार्थ का उपयोग किया जाता है और नींव को पानी से बचाया जा सके, जिसे प्लिंथ कहते हैं। फिर है प्लेटफॉर्म, मंच या कुर्सी भी कहते हैं इसको, मंच टाइप का होता है प्लेटफॉर्म। ये हमें उसके चारों तरफ कैसा भराव करना है या उस पर कैसे बनाना है, तो इसके लिए वर्षा के दिनों में पानी अंदर ना आए, सरलता से बह जाए और बाद के दिनों में मकान गिरने से बचाने के लिए मकान का फर्श जमीन की ऊंचाई से ऊपर बनाया जाता है। ऐसे करके हम ऊंचाई 2-3 फीट ऊंची रखते हैं और प्लिंथ को भर के बाद में हम मकान की सतह को सही कर देते हैं। चूमी की शक्ति के इसमें सीमेंट चूना में क्या रहती है, आपसी चूमी की शक्ति रहती है, जिसके कारण ईंटों की बनाई सुदृढ़ हो जाती है, सुदृढ़ यानी मजबूत हो जाती है और ईंटों की चौकोर नुकीली चिकनी होती है, तो इस कारण से किसी भी आकार में बनाया जा सकता है इसको। छत, मकान की छतें सपाट और ढलावदार बनी होती हैं, जिससे कि पानी नहीं आता और रिसना भी नहीं होता। कई बार बौछार आने पर सीलन युक्त हो जाती है, आता है बनवाते समय यह ध्यान रखना चाहिए छोटी छोटी बातों का। फिर है ढलावदार छतें। ढलावदार छतें कैसी होती हैं कि ये छतें ढालू होती हैं और भारतवर्ष में अधिकतर मकान की छतें ऐसी ही होती। ढलावदार छतें कई प्रकार की होती, घास फूस की, पत्थर की, लोहे की, चादर की, सीमेंट और टीन की चादरों की आदि की भी बनाई जाती है। सपाट चादर 7 या 8 इंच की मोटी होती है, यदि मोटी ना हो तो दरार पड़ जाती है। ठंड व गर्मी से बचाव के लिए सपाट छतें कच्ची व पक्की दोनों प्रकार की बनाई जाती है। फर्श कैसा होता है, यह 2 प्रकार का होता है, कच्चा और पक्का। मिट्टी गोबर आदि से बना हुआ पक्का फर्श चूने सीमेंट से बना हुआ और संगमरमर का भी प्रयोग होता है। आजकल के घरों में टाइल्स का भी प्रयोग होने लगा है। फर्श की ढाल बाहर नाली की ओर होनी चाहिए। अब है वेंटिलेशन या वायु विजन। वेंटिलेशन के लिए हमें खिड़कियों का छोटी छोटी कई जगह देने पड़ते हैं, बड़ी खिड़की का भी उपयोग होता है कि घर के अंदर प्रकाश अच्छे से आए और घर से जो गर्म हवा है वो ऊपर उठती है, तो उसे ऊंचे स्तर पर होकर निष्कासन का प्रबंध रोशनदान द्वारा किया जाता है। खिड़की दरवाजे संभव सामने की होना चाहिए, आमने सामने होना चाहिए। खिड़कियों दरवाजे पर काफी रुपया खर्च हो जाता है, इससे दरवाजे खिड़की स्टैंडर्ड साइज की बनानी चाहिए। खिड़कियां मकान की आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए, प्रकाश वायु का प्रबंध हो सके, ताकि खिड़कियां दरवाजे मकान को कच्चा बनाते हैं। जैसे आजकल एक पल्ले वाले दरवाजे या खिड़की उत्तम होती है, इनसे स्थान की बचत होती है। प्रकाश के प्रबंध के लिए बहुत सारी खिड़कियां भी बनाई जाती है और ताश
का प्रबंधन। प्रकाश के प्रबंध में जैसे नैसर्गिक प्रकाश, कृत्रिम प्रकाश। नैसर्गिक प्रकाश क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता हुआ प्रकाश, इसलिए घर में पर्याप्त खिड़की दरवाजे होने चाहिए। रात को घर में प्रकाश प्रकाशित करने की कृत्रिम उपयोग करते हैं, जैसे दीपक लैंप, बिजली आदि बल्ब, एलईडी बल्ब आजकल लगाने लगे हैं। कोई भी प्रकाश का साधन उपयोग लाया जा सकता है। बिजली के प्रयोग के लिए काफी कई विकार भी उत्पन्न होते, जैसे नहीं होते कि जैसे यदि धुआं जलाने से धुआं होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसलिए बिजली की फिटिंग बनवाते समय इस तरह का ध्यान दिया जाए कि कमरे की सजावट में बाधा उत्पन्न ना हो, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, धुआं ना हो आदि का ध्यान रखना पड़ता है। फिर गंदे पानी का निकास के प्रबंध, ड्रेनेज का, घर में से गंदे पानी का निकास उत्तम उचित व्यवस्था होना चाहिए निकलने के लिए, है ना। फ्लश वाले शौचालय सब उत्तम रहते हैं, परंतु यदि वे ना हो तो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए कि गंदे पानी का निष्कासन कुछ नए पाइप डालकर या पक्की होनी चाहिए। रसोई घर भी पक्का होना चाहिए और रसोई घर से दूर होना चाहिए। निकास की उचित व्यवस्था के लिए ना होने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पानी इकट्ठा होने से मच्छर आदि उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमें निकास के लिए नालियां बनाना पाइप द्वारा आवश्यक है। स्नानागार की नालियां भूमिगत होनी चाहिए। फिर है पानी का प्रबंध या वाटर अरेंजमेंट। घर में पानी को प्राप्त करने की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। नगरों में नल जल से प्राप्त होता है और जो कि जल प्राप्त करते हैं सुगम साधन है। यदि गांव में है तो ऐसे स्थान होने चाहिए जैसे कि कुआं पानी का प्राप्त करने का एक अन्य साधन है। इस तरह से होने चाहिए कुआं बावड़ी अगर गांव में घर है। फिर स्थान का विभाजन, किसी भी मकान को सदैव विभाजन के लिए करते समय उद्देश्य होना चाहिए कि कार्य के लिए कार्य में आने वाली वस्तु रखने की उत्तम व्यवस्था या आयोजन करना चाहिए। परिवार में रहने वाले प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं का पूर्ति का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक कमरे का निर्माण उसकी आवश्यकता के अनुसार ध्यान रखना चाहिए, ताकि उस कमरे में उपयोग में आने वाला फर्नीचर आदि जगह है जो वह कार्य करने में पूर्ण सुविधा हो सके। परिवार छोटा या बड़ा है तो प्रत्येक परिवार को उनकी आवश्यकताएं समान होती हैं। अतः घर में स्थान का विभाजन करते समय मुख्य रूप से बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मनोरंजन के साधन के बारे में, विश्राम के बारे में। मनोरंजन में जैसे खाना खाते समय अगर खाना खा रहे हैं या कुछ भी ऐसा है तो हम रेडियो सुनना, मित्रों या संबंधियों से बातचीत करने का साधन, यह घर का मनोरंजन या पब्लिक एरिया होता है। तो किसी भी घर में जहाँ सदस्य रहते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, सामूहिक कार्यों में भाग लेते हैं, तो हमें इन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए घर में। फिर विश्राम, यह घर का भीतरी भाग होता है। इस भाग में सोने का कमरा, पढ़ने का कमरा तथा स्नानागार आदि, स्नानागार यानी वॉशरूम, यह घर का प्राइवेट एरिया कहलाता है। इसलिए हमें घर बनवाते समय आदि बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, आपको कॉपी में लिखना है और इन सब के बारे में आपको